हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप बेसिकली देख पाओगे यहाँ पे जो है इंजेक्शन फिल रेट के बारे में बात करना हो। अब जो आज बात करेंगे इंजेक्शन जो फिल रेट है, इसको हम करेंगे प्रैक्टिकली। इन द सेंस मेरे पास एक कॉम्पोनेंट है जिसके साथ मैं गेज वगैरह बना रखा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हॉट रनर मोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंजेक्शन फिल रेट बनाते हैं, जो फिलिंग रेट बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उस मेटेरियल की शॉर्ट वेट चाहिए, फिल टाइम चाहिए और मेटेरियल की डेंसिटी चाहिए, ठीक है। जब हम उसकी फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसके हिसाब से हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। मतलब ये मेरा डिजाइन है, बेसिकली आप देख पा रहे हो ऑलरेडी टेस्टेड मोल्ड है। तो इस मोल्ड की जो फिल टाइम है उसको कैसे निकालेंगे, तो आज मैं प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा। और वो चीज़ें आपको क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे अप्लीकेबल करना है। जब भी आप मोल फ्लो एडिजन करते हो, मोल फ्लो एनालिसिस करते हो, जैसे मैंने मोल फ्लो एनालिसिस करा कंपोनेंट के मोल फ्लो एनालिसिस करके मैं यहाँ पे फिल टाइम वगैरह निकाल के रखा हूँ। तो फिल टाइम तो आप मोल फ्लो से भी निकाल सकते हो, और अगर बर्नौली इक्वेशन है, जो बर्नौली इक्वेशन होता है, उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बर्नौली इक्वेशन से निकालूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, 3.3 के आसपास ही आएंगे, लेकिन वो आधा घंटे का अलग से कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं मोल फ्लो यूज करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे कंपोनेंट जो है, तो यहाँ पे जैसे मैं मोल फ्लो यूज करता हूँ, तो उस मोल फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं वैल्यूज वगैरह पुट करके इसकी जो है प्रॉपर कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे जो भी मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट को जो है, कौन सी मेरा मेटेरियल है, मेटेरियल मेरा जो है एबीएस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी जो है एबीएस में जाएंगे, तो यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ, करने के बाद इसको मैं मेटेरियल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेटेरियल डिफाइन करने से पहले आपको यहाँ पे प्लास्टिक जो है मेरा एबीएस है, तो मैं यहाँ पे एबीएस ले लूंगा, ठीक है। एबीएस लेने के बाद इसकी मुझे वेट निकालना है, इस मेटेरियल की जो मेरा यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है, तो मेरा शॉर्ट है, इसकी मुझे वेट निकालना है। तो शॉर्ट में आपकी कंपोनेंट भी होना चाहिए, रनर भी होना चाहिए, गेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा रनर भी है, गेट भी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कोल स्लग भी है, ठीक है। तो इसकी जो है हम आज फिल रेट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस मेटेरियल की मेटेरियल डिफाइन कर दिया। अब मेटेरियल डिफाइन करने की बार आपको यहाँ पे करना ही है, आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे मेनू में, उसके बाद एनालिसिस में, एनालिसिस के जाने के बाद आपको यहाँ पे मेजर बॉडी में जाना है। तो मेजर बॉडी में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जो है इसकी डेंसिटी, अगर आप सॉलिड डेंसिटी भी निकाल सकते हो, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मैं मास निकाल लूंगा। तो मास मेरा कितने अगर आ रहा है, यहाँ पे मैं जैसे केजी में आता है, बट एक्चुअली जो आपका फिल रेट होता है, उसकी जो यूनिट होती है, जो आपका इसका यूनिट बन के आएगा, वो कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब बाई एस, मतलब सेकंड आएंगे। तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर पे हम निकालेंगे, और यहाँ पे जो सेंटीमीटर में निकालेंगे, जो केजी है, इसको हम ग्राम पे ले आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे मेरे यहाँ पे है 0.544446, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 446 है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्राम में निकालना है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया, 544.6। तो मैं इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा जो वैल्यूज है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट वेट है, कितने का शॉर्ट वेट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ। जितना भी यहाँ पे मेरे कैलकुलेशन होगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद रहेगा इतना ग्राम का ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट मेरा निकल के आता है फिल टाइम। देखो, फिल टाइम निकलने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है। अगर मैं बर्नौली इक्वेशन निकालूंगा ना, जो बर्नौली होता है, इसका फिल टाइम निकालने का इक्वेशन डाल रखा है। अगर आप ग्रेविटी डायकास्टिंग भी करते हो या इंजेक्शन मोल्ड भी करते हो, दोनों तरीके से उसको आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मोल फ्लो, क्योंकि हम जो है टेक्निकल बंदे हैं, और यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ें मिल जाता है। अगर आपको इसी तरीके से मोल फ्लो वगैरह भी सीखना है, प्रैक्टिकली क्लास सीखना है, तो आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे गेट है, तो यहाँ पे देख पाओ फिलिंग टाइम मेरा कितना बन के आ रहा है, 3.389 सेकंड का बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा मोल फ्लो है। अगर मैं इसको आपको एनिमेशन करके दिखाऊँ, तो मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन करके भी दिखा सकता हूँ। एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे मैं इसकी एनिमेशन कर रहा हूँ, देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो कंपोनेंट है ना, 3.38 सेकंड में ये प्रॉपर फिलिंग हो जा रही है, ठीक है। मैंने आपको मोल फ्लो से इसकी फिलिंग टाइम ले लिया है। अगर आपको किसी कंपोनेंट की मोल फ्लो रेट निकालना, यहाँ पे देखो हर एक आपको डाटा मिल जाएंगे, प्लास्टिक फ्लो क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस टू फिल क्या होती है, क्वालिटी रिडक्शन क्या होती है, इंजेक्शन प्रेशर क्या होती है। अगर किसी को भी कोई भी कंपोनेंट है मोल फ्लो करना है, देखो यहाँ पे प्रेशर डब कितना आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर आपको, ओरिएंटेशन आपको देखना है, बहुत सारा रिजल्ट है, कहाँ पे एयर ट्रैप हो सकता है, ठीक है, फ्रोजन लेयर कहाँ पे है, टाइम टू रीच, इजेक्शन टेम्परेचर, सारा चीज़ें आप देख सकते हो, वेल लाइन, एयर टैप, सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको भी वैल्यूज वगैरह सही है, मेरे से मोल फ्लो वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे को जो टाइम मिल गया, यहाँ पे कितना टाइम का मुझे मिल के आ रही है,
3.38 सेकंड का, तो मैं यहाँ पे डबल वैल्यू लूंगा, 3.38 सेकंड जो है मुझे यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट आता है मेरा मेटेरियल का डेंसिटी, तो मैंने यहाँ पे कौन सा वाला मेटेरियल लिया, तो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे मैंने कौन सी मेटेरियल लिया, एबीएस ले लिया। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो आप मेटेरियल यूज कर रहे हो तो उसमें डेंसिटी क्या है, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो डेंसिटी होता है जैसे पीपी का यूज करता हूँ, पीपी का डेंसिटी क्या होता है 1.05। अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए ना, मेरा क्लासेस वगैरह चलता रहता है मोल्ड डिजाइन पे, सभी चीजें मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ इसी तरीके से कैलकुलेशन के साथ। अगर आपको चाहते हो तो मोल्ड डिजाइन इस तरीके से प्रैक्टिकली आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप साइकिल टाइम कोई भी कंपोनेंट होता है जैसे इस कंपोनेंट का है, तो साइकिल टाइम डिसाइड करते हो ना, तो साइकिल टाइम में आपको बहुत कुछ चीजें निकालना पड़ता है। तो ये सारा जो है कैसे निकालोगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालते हैं, कुछ हम जो है कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर सीखना है तो नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मेरा जो कॉम्पोनेंट है, इस कंपोनेंट की मुझे क्या है डेंसिटी बताना चाहिए, डेंसिटी कैसे पता लगेगा मेटेरियल से, तो मेटेरियल की डेंसिटी क्या है पीपी का 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। पीसी का कितना है 1.2 है। अगर देखो ये पीसी है और ये एबीएस है, एबीएस का कितना लिया मैंने 1.075। अगर मैं पीसी पास एबीएस लूंगा ना तो उसकी डेंसिटी अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको आज का जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पीसी में 10% ग्लास फाइबर मिक्स कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जैसे आपकी 15-20 कमेंट देखूंगा मैं इसकी आंसर जो है मैसेज में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था इसके फैक्टर मुझे सही है। अब आते हैं इसकी फॉर्मूला पे, क्या फॉर्मूला मुझे यूज करना है, तो मैं अभी इसमें आता हूँ, ये मेरा इसका फॉर्मूला है। तो फिलिंग रेट होता है, तो इसमें क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ द शॉट डिवाइडेड बाई फिलिंग टाइम। अब वॉल्यूम ऑफ द शॉट आप कैसे निकालोगे, शॉट की वॉल्यूम कैसे निकालते हो, शॉट की वॉल्यूम निकालने के लिए आपकी शॉट वेट निकालना पड़ेगा, जो मेटेरियल की जो मेरे यहाँ शॉर्ट वेट है ना, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट वेट निकाला, मैंने जैसे अभी शॉर्ट वेट निकाला ना, कैसे निकाला मैंने एनालिसिस जाके इसकी वेट निकाला, ठीक है। अब वेट में मेरा रनर वगैरह सारा चीजें जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड होगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, शॉर्ट वेट निकल जाएगा। और मेरा यहाँ पे हॉट रनर मोल्ड है, तो यहाँ पे स्प्रू का मैं दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा हॉट रनर मोल्ड है। तो यहाँ पे सीधा नोजल की जो आएगा ना, नोजल का जो टीप आएगा इधर पे एंट्री होगा, तो यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कितने का मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पीपीटी में आता हूँ, मुझे शॉर्ट वेट पता लग गया, डेंसिटी मुझे पता लग गया, फिलिंग टाइम मुझे पता लग गया। फिलिंग टाइम कहाँ से पता लग गया, यहाँ से। अगर इसको बर्नौली इक्वेशन से आपको सही है तो उसका भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा 30-35 मिनट का वीडियो बन जाएगा, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। अगर कोई कंपोनेंट का फिलिंग टाइम निकालना है कैलकुलेशन से अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो आपको हम आते हैं अभी जो है एनालिसिस में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जो है ड्रॉइंग बोर्ड में ले लेता हूँ, तो फॉर्मूला फॉर इंजेक्शन फील रेट, ठीक है। इंजेक्शन फील रेट सबसे पहले वॉल्यूम है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द शॉट क्या है मेरा 544, देखो ये ग्राम पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ द शॉट जो है यहाँ पे जो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ द शॉट यहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ द शॉट के लिए आपकी शॉर्ट वेट चाहिए, तो शॉर्ट वेट मेरे ग्राम पे निकलता है, ठीक है, उसके प्लस डेंसिटी जो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं यहाँ पे एक ग्राम और ये दो ग्राम, ये दो एक जो है ना क्रॉस कर दूंगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा बचेंगे क्या यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या बचता है यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखा दूँ एक बार, मैं कैलकुलेशन से आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है 544.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.075, ठीक है। तो कितना होगा, इतना बच क्या आता है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3.38, फिलिंग टाइम होता है ये, ठीक है। तो फिलिंग साइड से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना निकल गया 149.88, ठीक है, 149.88 क्या होता है ये सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकंड। तो ये होता है आपकी इंजेक्शन फील रेट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन से प्रैक्टिकल से आप एक एक चीजें निकाल सकते हो। जब भी आप साइकिल टाइम डिसाइड करते हो ना, तो बहुत सारा पैरामीटर, बहुत सारा चीजें आपको निकालना पड़ता है, उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन वगैरह यूज करना पड़ेगा, उस कैलकुलेशन से जो है आप सारा चीजें निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा कि सारा चीजें जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो भी चीज़ें आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इसके आगे भी वीडियो चाहिए तो आप जो है, अगर सही रेस्पॉन्स आएंगे इसके आगे भी मैं वीडियो डाल दूंगा। किसी को अगर इसी तरीके से प्रैक्टिकली इंजेक्शन मोल्ड डिजाइन सीखना है तो नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।